नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHU MED एंट्रेंस एग्जाम 2017 का पेपर, और इस पेपर का ये चौथा भाग है। इससे पहले हम तीन भागों में 104 प्रश्न कवर कर चुके हैं, और उन सभी के संबंध में जो तीन वीडियो हमने बनाई हैं उनके लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पेपर होता है उसमें दो भाग होते हैं। पहले भाग में BED से संबंधित 104 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और दूसरे भाग में हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है और उसके 16 प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को देने होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहां पर केवल हिंदी भाषा के 16 प्रश्नों को कवर करेंगे, और यदि आप लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम यहां पर अंग्रेजी भाषा के पोर्शन जो है उसकी भी वीडियो अलग से लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्नों का उत्तर आपको तभी देना है जब आप अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि आप अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, 121वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। बोलने में जो स्वरों का आरोह अवरोह होता है उसे क्या कहते हैं? नंबर एक सुर, नंबर दो तान, नंबर तीन अनुतान और नंबर चार लय। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीन अनुतान। 122वां प्रश्न है, रचना के आधार पर पंकज शब्द किस प्रकृति का शब्द है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक, नंबर तीन युग्म और नंबर चार योग रूढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार योग रूढ़। 123वां प्रश्न है, अशर्फियाँ लुटें कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नंबर एक बड़े पर ध्यान न देकर छोटे पर ध्यान, नंबर दो मूर्ख होना, नंबर तीन कंजूस होना, नंबर चार मति भ्रष्ट होना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक बड़े पर ध्यान न देकर छोटे पर ध्यान। 124वां प्रश्न है, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ चयनित कीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक लकवा लगना, नंबर दो असर होना, नंबर तीन उड़ने लगना, नंबर चार पता न लगना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नंबर दो असर होना। 125वां प्रश्न है, पूंजीपति शब्द निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? नंबर एक विदेशी, नंबर दो शंकर, नंबर तीन देशद और नंबर चार तत्सम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो शंकर। 126वां प्रश्न है, वक्र का सही विलोम क्या है? नंबर एक अवक्र, नंबर दो ऋजु, नंबर तीन निवक्र, नंबर चार वे वक्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो ऋजु। 127वां प्रश्न है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नंबर एक उल प्लस लेख, नंबर दो उल प्लस इक, नंबर तीन उत प्लस लेख, नंबर चार उल प्लस आलेख। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीन उत प्लस लेख। 128वां प्रश्न है, हिंदी संधि नियमों के आधार पर छोटा प्लस पन मिलाकर कौन सा शब्द बनाते हैं? नंबर एक छोटापन, नंबर दो छोटपन, नंबर तीन छोटपना, नंबर चार छुटपन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार छुटपन। 130वां प्रश्न है, मिथ्या का कौन शब्द पर्याय नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? नंबर एक असत्य, नंबर दो मिशा, नंबर तीन अयथार्थ, नंबर चार झूठ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो मिशा। 131वां प्रश्न है, निकल रही थी करुण वेदना मर्मी विकल कहानी सी, अलंकार बताइए। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस बारे में बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक अनुप्राश, नंबर दो यमक, नंबर तीन रूपक और नंबर चार उपमा। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार उपमा। अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न, और 132वें प्रश्न में पूछा गया है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस आलोचक ने कहा? और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर तीन श्याम सुंदर दास और नंबर चार रघुवंश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 133वां प्रश्न है, वर्षे मेघा झकोरी झकोरी
मोर दुई नैन चुबे जस ओरी किस कवि की रचना है? नंबर एक तुलसीदास, नंबर दो रैदास, नंबर तीन रयानीकार और नंबर चार जायसी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार जायसी। 134वां प्रश्न है, फलाहार में कौन सा समास प्रयुक्त है? और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक कर्मधारय, नंबर दो तत्पुरुष, नंबर तीन बहुव्रीही और नंबर चार द्वंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक कर्मधारय। 135वां प्रश्न है, परमाल रासों का रचनाकार कौन था? नंबर एक कृष्ण भट्ट, नंबर दो नरपति नाहल, नंबर तीन भट्ट जगधर, नंबर चार जगनिक भाट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार जगनिक भाट। 136वां प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? नंबर एक सदा सुखलाल, नंबर दो लल्लू लाल, नंबर तीन हरिव्यास और नंबर चार करपात्री जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक सदा सुखलाल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।